धीरे धीरे रोजालीन एवं आम पद्मासन सुखासन निवृत्त होगा एवं दुई गोड़ को जोड़ीदबा एवं आमर बोटिंग एवं करवा जोटा कि आम मुठा करदे प्रथम आम आम थम फिंगर अंगुष्ठा को आम बेंड करवा कनिष्ठ अनामिका मध्यमा तर्जनी लिटिल रिंग मिडिल इंडेक्स को आम बेंड करवा धीरे धीरे एवं आम शरीर को जोटा कि आग को पछु करवा जोटा कि आम चक्की चलन आसन पूर्वर आम आपको देखेलु जोटा कि आसन टी आम प्रारंभ करवा जोटा कि आम अंटा को आम संपूर्ण शक्तिशाली करपर अंटार कोष और ग्रंथिगुड़ी को संपूर्ण भाव में कसरत करपर एवं ये आसन टी करा फल मेरुदंडर हाड़ उपर सुप्रभाव पड़ता है शोल्डर सॉकेट जॉइंट शोल्डर ब्लेड उपर संपूर्ण सुप्रभाव पड़ता है और आम अंटा को संपूर्ण भाव में कसरत कराई थाए ये भाव में आम टे बोटिंग आराम से एवं आम बोटिंग जो आम करे दर्शक बंधु आम हाथ को आम कौन करुचे बेन करुचे और स्ट्रेस करुचे कि आम जितेबले करुले चक्की चलन आसन से आम हाथ को आम पूरा स्ट्रेट रखी थे आमर कहुणी बंका हो नाला कि बोटिंग में आम कहुणी को आम बंका करवा आराम से आम आंटी ग्लॉक वाइज भी करी परिवा आराम से करवा रोजाली आम आगे जिते जा पचुक से आसवा टोटाल आम गोड़ू आरंभ करोईठ आरंभ कर नितंब को आम रखा भूमि उपरूर नितंबर जोटा कि ऊपर भागर अंटा ठू आम मस्तिष्क पर्यटन संपूर्ण आम कसरत करवा एवं यह व्यतीत टी आम रोजालीन हाथा को टे सीधा करदे कि बेंड करवा स्लाइड बेंड करवा टाइप करवा देखनी ये टाइप आम कर बोटिंग क्लक वाइज आगुक तो आम मुठा कर मुठाटा सैड को वाइज करवा कि कहुणी टी बेंड रेर स्ट्रेस रान टू थ्री फोर फाइव देन आंटी क्लक वाइज करवा फाइव फोर थ्री टू वन धीरे धीरे एवं पूर्व स्थित की फेरी आसवा दर्शक बंधु आपण मैंने रोजालीन ठू देखिकी आसन टीपारे अत्यधिक सहज सरल प्रयासहीन आसन टीए रोजालीन ता पूर्व तुम्हें 10-12 सेकेंड टी विश्राम देव तापर आसन टी दर्शक बंधु करके देख दर्शक बंधु जदि आपण मैंने आसन टी करें नौका संचालन आसन एथर मध्य आम शरीर शिरा प्रशिरा उपर संपूर्ण सुप्रभाव पड़ता है शिरा प्रशिरा को शक्तिशाली करें छिड़ा हाँ समय जदि आम पाद टी बंका होता सब आसन गुड़िक करा फल पाद को सीधा रखि था आमर अकामी शरीर को संपूर्ण भाव में सकामी करें यह व्यतीत बात पित्त कफ रोग आमको मुक्ति मिलता है और आमर नी क्यापर तालमेल को ठीक रखि था आमर गोईठी और आम पादर तालमेल को दर्शक बंधु संपूर्ण भाव में ठीक रखि था पचटी और हाथ आंगुठी तालमेल को ठीक रखि था शोल्डर पॉकेट जॉइंट्स और तार पछपड़े शोल्डर ब्लेड्र तालमेल ठीक रही है यह व्यतीत आमर कहुणी और आम बाहूर तालमेल को ठीक रखता है तेणु प्रत्येक दिन जी आपण मैंने सब आसन गुड़िकपरेंगे आमर जोटा कि फुसफुस और हृत्पिंड संपूर्ण सुप्रभाव पड़ता है ये व्यतीत आम मेरुदंड नाड़ी गुड़िक जोटा कि संपूर्ण भाव में कसरत होता है बेकर स्नायु गुड़िक मेरुदंड हाड़ उपर संपूर्ण सुप्रभाव पड़ता है यदि आपण मैंने सब आसन गुड़िक कर हाथ को संपूर्ण भाव में शक्तिशाली करें हाथ में रक्त संचालन तो भल भाव में होता है तेणु आपंकर व्यस्तबहुल जीवन जदि किसी समय बाहर कर चक्की चलन आसन नौका संचालन आसन और गत्यात्मक मेरु वक्रासन और भूनमन आसन मजा नहीं पारे मिनिमम 5-10 मिनिट बा 15 मिनिट जदि यह सब आसन गुड़िकपरेंगे तो निश्चित पक्षे आम आम अंटा को शक्तिशाली करपरिया कि दर्शक बंधु जरा बैकपेन अच्छी से सबूर निवृत्त रहेंगे बैकपेन कि आप करेंगे जोटा कि भुजंगासन आम आपको आगुरी कही आसीचु जोटा कि मकरासन भी करेंगे धनुरासन भी करें यद व्यतीत जदि आप सब आसन गुड़िकपरेंगे जमी रोजालीन आपन करके देखा नौका संचालन आसन ये आसन मध्यम अंटा को शक्तिशाली करेंगे कसरत करेंगे और व्यायाम करेंगे तेणु आपण मैंने जदि यह सब आसन गुड़िकपरेंगे तो निश्चित भाग में दर्शक बंधु आसन टी करा फल छाती को संपूर्ण भाव में प्रसारित करें अंटा को पतला करें और पेट को हाल्का रखि था पेटर थी आभ्यंतरण अंश ग्रंथि गुड़िकर सब प्रभाव पड़ता है बायु दोष खंडन होता है मूत्र जोटा कि भल भाव में निष्कासित होता है मलमूत्र भल भाव में परिष्कार होता है और एतद व्यतीत यदि आपु आसन गुड़िक कर पुरुष मानक टेस्टिकल नारी मानक ओभारी उपर संपूर्ण सुप्रभाव पड़ता है आसन टी जदि आपे तो स्त्री लोक मानक अल्पार्तव और कष्टार्तव रोग मुक्ति मिलवा व्यतीत आंठूगंठी पीड़ार मुक्ति मिलता है और आम अंटा को संपूर्ण भाव में शक्तिशाली करें तेणु आपंकर व्यस्तबहुल जीवन किसी समय बाहर करी एसब आसन गुड़िकपे कह आसन टी करा फल रक्त परिष्कार भल होगा सहित आमर ब्रुक जकृत को संपूर्ण भाव में कसरत कराई थाएं आमर धमनी तो रक्त संचालन भल भाव में होता है यह व्यतीत आम जौन शक्ति आध्यात्मिक शक्ति परिणत होता है आमर हृत्पिंड जंत्र
ଉଷ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ପାକସ୍ଥଳୀର ଦୋଷ ନିବାରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଆସନଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।